नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 6 नवंबर शनिवार सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। राजस्थान में दिवाली पर पूरे प्रदेश के डिमांड की एक घंटे की बिजली कम पड़ गई। दिवाली के दिन बिजली कटौती नहीं करने के मुख्यमंत्री के स्पष्ट निर्देश थे, इसलिए 6,39,000 यूनिट बिजली राजस्थान एनर्जी डेवलपमेंट कॉरपोरेशन राजस्थान ऊर्जा विकास निगम को बिजली एक्सचेंज के जरिए बाजार से खरीदनी पड़ी, जिसकी औसत रेट 2.87 रुपये यूनिट पड़ी है। इस हिसाब से 1,73,31,930 रुपये की बिजली खरीदनी पड़ी। अनुमान के मुताबिक प्रदेश में करीब 60,00,000 यूनिट बिजली के अलग अलग पावर प्लांट्स एक घंटे में पैदा करते हैं। लगभग 14,40,00,000 यूनिट बिजली 24 घंटे में पैदा होती है। जयपुर में दीपावली पर सूने मकानों को चोरों ने निशाना बनाया है। चोर सूने मकान से गहने इलेक्ट्रॉनिक सामान चोरी कर ले गए। चोरों ने मुरलीपुरा में 2 और आदर्शनगर में 1 मकान में चोरी की वारदात की है। मुरलीपुरा में चोर अलमारी से 3.50 लाख रुपए व आदर्शनगर में 1 लाख रुपए के साथ साड़ियों को भी चोरी कर ले गए। फिलहाल पुलिस फुटेज खंगाल कर चोरों का पता लगा रही है। मुरलीपुरा प्रतापनगर विस्तार के रहने वाले वेद प्रकाश नेहरा ने बताया कि दीपावली के दिन घर पर कोई नहीं था, वे काम से बाहर गए थे। वापस आकर देखा तो सामान बिखरा मिला। चोर सोने की चेन, सोने की अंगूठी, कानों की बाली, 1 जोड़ी पैजेब, चांदी के गिलास, चांदी की कटोरी, चांदी के लक्ष्मी गणेश व सिक्के चोरी कर ले गए। चोरी की वारदात के बाद मुरलीपुरा पुलिस पहुंची। ASI डालचंद मामले की जांच कर रहे हैं। वैद्य जी का चौराहा मुरलीपुरा के रहने वाले विजय शंकर अग्रवाल ने बताया कि वह पूरे परिवार के साथ निजी काम से निमका थाना गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था। वे शाम को वापस लौट कर आए तो देखा कि सामान के ताले टूटे हुए थे, कमरों से सारा सामान बिखरा हुआ था। वे अंदर मकान में गए तो देखा कि अलमारी खुली पड़ी थी। चोर अलमारी से 3.50 लाख रुपए, 250 ग्राम चांदी के सिक्के, लैपटॉप व इलेक्ट्रॉनिक सामान भी चोरी कर ले गए। पुलिस CCTV फुटेज खंगाल रही है। आदर्शनगर में रहने वाली 60 साल की प्रदीप लता माथुर ने बताया कि वह किसी काम से अपने परिचित के पास गई थी। चोरों ने सूने मकान में चोरी की वारदात की। वापस आने पर सारा सामान बिखरा मिला। अलमारी से चोर 1 लाख रुपए, सोने चांदी के जेवरात, कीमती साड़ियां, फ्रिज, सामान से भरे 4 बक्से चोरी कर ले गए। चोरी की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चोरों का पता नहीं लग पाया है। राजस्थान में सर्दी का असर अब फिर बढ़ने लगा है। बीती रात जयपुर, चूरू समेत कई शहरों के न्यूनतम तापमान में गिरावट होने से लोगों को सामान्य दिनों के मुकाबले ज़्यादा ठंड लगी। सीकर जिले में इस सीजन की अब तक की सबसे ठंडी रात रही, या न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों की माने तो पश्चिमी हिमाचल क्षेत्र में एक पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है, जो अगले 1-2 दिन में चला जाएगा, जिसके बाद राज्य में तापमान गिरेगा और हल्की गति से सर्द हवाएं चलेंगी। मौसम की स्थिति देखें तो आज जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर, दौसा, सवाईमाधोपुर, भरतपुर और जोधपुर के कुछ हिस्सों में सुबह से ही आसमान में हल्की धुंध छाई रही। इसके कारण इन शहरों में सूरज भी सुबह देरी से दिखा। हालांकि दिन में तापमान कुछ ही बना रहा और सूरज की चमक कम रही। वहीं प्रदेश के अन्य शहरों में मौसम साफ रहा। गंगापुर सिटी शहर के पिलौदा थाना क्षेत्र में गुरुवार शाम फंदा लगाकर एक महिला ने सुसाइड कर लिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को फंदे से उतरवाकर हॉस्पिटल की मोर्चरी भिजवाया है। पुलिस ने शुक्रवार सुबह पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मृतका के पास किसी प्रकार का सुसाइड नोट मिलने की बात से इनकार किया है। थाना अधिकारी मुकेश कुमार ने बताया कि मृतका रीना पत्नी मुकेश मीना छोटी उदय गांव पिलौदा की रहने वाली थी। घटनाक्रम के मुताबिक 4 दिन पहले ही मुकेश अपनी पत्नी व बेटे के साथ राजसमंद से दिवाली त्योहार पर अपने गांव आया था। दिवाली पूजन से पहले शाम करीब 6 बजे उसने कमरे में रस्सी का फंदा लगाकर सुसाइड कर लिया। काफी देर तक रीना के नहीं दिखने पर परिजन उसे तलाशते हुए कमरे में पहुंचे, जहां रीना फंदे से लटकी मिली। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मौका मुआयना के बाद शव को फंदे से नीचे उतारा, जिसके बाद पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की मोर्चरी भिजवाया गया। दीपावली के दिन जयपुर पुलिस की कस्टडी से एक आरोपी फरार हो गया। आरोपी को दीपावली के दिन शांति भंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। सिपाही उसे बाथरूम लेकर गया तो वह मौका देख फरार हो गया। आरोपी के फरार हो जाने के बाद से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। सिपाही की ओर से कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है। वहीं पुलिस ने टीम बनाकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार कोतवाली पुलिस दीपावली के दिन राजवीर सैनी को गिरफ्तार करके लाई थी, उसे शांति भंग में पकड़ा था। कांस्टेबल रामजी लाल ने बताया
बताया कि दीपावली के दिन उसके सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक थी लॉकअप में राजबीर को बंद कर रखा था। 10:30 बजे उसने टॉयलेट जाने की बात कही। वह लॉकअप खोलकर राजबीर को टॉयलेट ले गया था। वह बाथरूम के अंदर चला गया, बाहर कांस्टेबल निगरानी करता रहा। जब राजबीर काफी देर तक टॉयलेट से बाहर नहीं आया तो उसे आवाज लगाई, कुछ जवाब नहीं मिला तो अंदर जाकर देखा, वहां कोई नहीं था। तलाशी ली तो पता चला कि आरोपी राजबीर टॉयलेट के एग्जॉस्ट फैन का हॉल बना हुआ था। वह हॉल से निकलकर फरार हो गया। रीट 2021 परीक्षा में कैंडिडेट को 6-6 लाख रुपए में नकल वाली चप्पल बेचने वाला मास्टरमाइंड तुलसाराम कालेर बहुत शातिर है। वो कुछ साल तक पुलिस में सब इंस्पेक्टर रहा, इसलिए उसे पुलिस की हर तकनीक का पता था। ऐसे में पुलिस को 1 महीने से ज्यादा समय तक चकमा देता रहा। पुलिस सूत्रों के मुताबिक आधा राजस्थान घूमने के बाद तुलसाराम जयपुर पहुंचा। पुलिस को लोकेशन का पता चला तो सोसाइटी बिल्डिंग को ही घेर लिया। सोसाइटी में रहने वाले लोगों की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए पुलिस ने बहुत ही चालाकी से तुलसाराम को दबोचा। जयपुर में अजमेर रोड स्थित इस बिल्डिंग में रहते हुए वो किसी से नहीं मिल रहा था। ऐसे में पुलिस ने अपना हुलिया बदलकर कभी दूध वाला तो कभी मेंटेनेंस कर्मी बनकर जानकारी जुटाई। लगभग हर फ्लैट में पुलिस कर्मी पहुंचे। इस दौरान एक फ्लैट में वह नजर आ गया। इसके बाद पुलिस ने उसे दबोच लिया। दीपावली पर भले ही इस बार ग्रीन पटाखों से सीमित आतिशबाजी हुई हो, लेकिन इतनी आतिशबाजी ने भी राजस्थान के शहरों की आबो हवा को प्रदूषित कर दिया। रात भर हुई आतिशबाजी के कारण आसमान में धुआं हो गया। इसका असर सुबह देखने को मिला। जयपुर जोधपुर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के पार चला गया। रेड जोन में आए इन शहरों में रहने वाले अस्थमा के मरीजों के लिए यह चिंता की बात है। ऐसे में डॉक्टर्स और विशेषज्ञों ने ऐसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा घरों में ही रहने की सलाह दी है। जयपुर में आज सुबह AQI लेवल 370 के स्तर पर दर्ज हुआ। वहीं जयपुर के शास्त्री नगर एरिया में 317 और आदर्श नगर राजा पार्क एरिया में 331 AQI लेवल रहा। सुबह सुबह आसमान में धुंध रही और जयपुर एयरपोर्ट और उसके आसपास विजिबिलिटी भी सामान्य दिनों के मुकाबले कम रही। विशेषज्ञों की माने तो आतिशबाजी के साथ साथ पॉल्यूशन लेवल बढ़ने का एक बड़ा कारण मौसम में बदलाव भी रहा। तापमान गिरने और हवा नहीं चलने के कारण धुआं आसमान में ज्यादा ऊपर नहीं जा सका और धरती के स्तर से कुछ ऊंचाई पर ही मंडराता रहा, जिसके कारण आज सुबह से जयपुर में धुंध छाई हुई है। दीपावली के दूसरे दिन गोवर्धन पूजा पर सूरज निकलने से पहले घर की चौखट पर खड़ा दुल्हा अपनी दुल्हन को गीत गाकर पुकारता है। दुल्हन की बार बार मनुहार करता है। 16 श्रृंगार कर दुल्हन आती है। बाद में दुल्हे के हाथ के लिए पंचमुखी दीपक में तेल डालती है। दुल्हा अपने दोस्तों और परिवार के लोगों के साथ पूरे गांव में दिया लेकर घूमता है। इस दौरान पूरा गांव दुल्हे का स्वागत करता है और दोनों ही खुशहाल जीवन की कामना करता है। दीपावली के मौके पर आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र डूंगरपुर में गुरुवार को शादी के बाद पहली दिवाली पर यह रस्म नव दंपति ने निभाई गई। सदियों से चली आ रही इस परंपरा को दिवाली आना और मरियू दीपक में तेल डालने का नाम दिया गया है। बड़े बुजुर्गों का कहना है कि शादी के बाद नया सफर शुरू करने वालों के जीवन में खुशहाली के लिए यह रस्म अदा की जाती है। ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। जैसलमेर के दीदू गांव में दीपावली की रात पोटाश में विस्फोट होने से एक महिला की मौत हो गई और 2 बच्चे घायल हो गए। महिला और बच्चों को जोधपुर ले जाया जा रहा था, लेकिन बीच रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। जानकारी के अनुसार दीदू गांव निवासी कमला 50 पत्नी वीरूराम घर में पोटाश को कूट रही थी। इसी दौरान पोटाश में विस्फोट हो गया, जिससे कमला के दोनों हाथ और दोनों पैर उड़ गए। घटना के समय पास में ही उसके 2 पोते भी घायल हो गए। महिला के दोनों पोतों को प्राथमिक इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। महिला अपने घर में खेतों में आने वाला रासायनिक पोटाश को कूट कर इकट्ठा कर रही थी। उसी दौरान तेज धमाका हुआ और महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। महिला से थोड़ी दूर उसके 5 और 7 वर्षीय 2 पोते खेल रहे थे। ताजा तरीन खबरों के लिए फाइटर न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि नई न्यूज अपडेट होते ही आपके फोन की घंटी बज जाए। Once again.